सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिटीज कार, जहां कार्स और बाइक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हीरो की न्यू स्कूटी वेरिएंट्स के बारे में। तो यहाँ पे हीरो ने अपनी प्लेजर प्लस के नया वेरिएंट यहाँ पे निकाला है और नया वेरिएंट यहाँ पे निकाला है। तो आज बात करेंगे इसी के बारे में कि इस नए वेरिएंट में क्या क्या नए फीचर देखने को मिलते हैं और कैसे लुक में आती है, क्या नया कलर ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिलता है। बात करें कलर ऑप्शन के, यहाँ पे येलो कलर में इसको निकाला गया है और ये रहा आपके सामने। तो अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो इंजन की अगर बात करें, जो इंजन इसमें दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे 110.9 सीसी का इंजन मिलता है। एयर कूल्ड, फोर स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर, फोर वॉल्व इंजन दिया गया है। बात करें अगर पावर की, पावर इसमें जो दी गई है वो दी गई है यहाँ पे 8.1 पीएस की पावर दी है। 7000 का यहाँ पे आरपीएम दिया गया है। बात करें यहाँ पर टॉर्क की, टॉर्क इसमें जो दी गई है 8.7 Nm की टॉर्क दी गई है। 5500 का यहाँ पे आरपीएम दिया गया है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। स्टार्टिंग जैक की बात करें तो किक एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों स्टार्ट दिए गए हैं यहाँ पे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 4.8 लीटर का यहाँ पे फ्यूल दिया गया है। अंडर सीट स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। डायमेंशन की बात करें तो लेंथ इसके अंदर जो मिलती है वो दी गई है 1769 mm की। वहीं बात करें वेट की वो दी गई है इस बाइक स्कूटर के अंदर 704 mm की। वहीं बात करें हाइट की वो दी गई है स्कूटर के अंदर 1161 mm की। बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की वो दी गई है स्कूटर के अंदर 155 mm की। व्हील बेस की बात करें तो व्हील इसके अंदर दिया गया है वो है यहाँ पे 1238 mm का। वहीं बात करें कव वेट की वो है यहाँ पे 104 kg का। बात करें यहाँ पे फीचर्स की तो चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है, कैरी हुक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, पास स्विच देखने को मिल जाता है, पैसेंजर फुटर्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करें मीटर की तो मीटर यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक लाइट्स की, हेडलाइट यहाँ पे हैलोजन में मिलती है, टर्न सिग्नल लैंप बल्ब में दिया गया है, टेल लाइट भी यहाँ पे बल्ब में दी गई है। बात करें बूट लाइट की तो बूट लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बात करें बैटरी टाइप की तो यहाँ पे MAH बैटरी दी गई है। बात करें बैटरी कैपेसिटी की तो 12B4Ah की बैटरी मिलती है। लो फ्यूल इंडिकेटर लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बात करें टायर एंड व्हील्स की, वो फ्रंट टायर है वो है 10 इंच का। वहीं बात करें रेयर टायर है वो भी 10 इंच का दिया गया है। बात करें यहाँ पे टायर टाइप के तो ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। व्हील टाइप की बात करें तो अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं इसमें। व्हील साइज़ की बात करें तो फ्रंट व्हील साइज़ है वो है यहाँ पे 254 mm का। मैं बात करें रेयर व्हील साइज़ की वो भी है यहाँ 254 mm का। बात करें यहाँ पे ब्रेकिंग की तो फ्रंट ब्रेक ड्रम में दिया गया है, जो उसका डायमीटर है वो है यहाँ पे 130 mm का। वहीं बात करें रेयर ब्रेक की वो भी ड्रम में दिया गया है, उसका डायमीटर है 130 mm का। बात करें सस्पेंशन की तो फ्रंट सस्पेंशन यहाँ पे बॉटम लिंक विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टेम्पर दिया गया है। वहीं बात करें रेयर सस्पेंशन की वो भी यहाँ पे स्विंग आर्म विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पिंग दिया गया है। बात करें प्राइसिंग की तो इसका जो एक्चुअल डिलीवरी प्राइस है वो है यहाँ पे 61,900 rupees यहाँ पे रखा गया है इस वेरिएंट का एक्चुअल डिलीवरी। तो ये है हीरो प्लेजर प्लस, इसका जो नया वेरिएंट है वो है यहाँ पे। सारे फीचर्स के बारे में, फीचर्स काफ़ी ज़्यादा सही फीचर्स दिए गए हैं, जो पहले नहीं आते थे वो अब इस वेरिएंट के अंदर फीचर दिए गए हैं। प्राइसिंग भी ठीक ठाक रखी गई है। ओवरऑल बढ़िया स्कूटर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो आज की वीडियो में इतना ही। कार्स और बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो कैसे लगे वीडियो, अच्छी लगे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बी हैप्पी।